बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। काइंडली ऑल स्टूडेंट रिसाइट दरूद शरीफ। आफ्टर रिसाइटिंग दरूद शरीफ रिसाइट रब्बी ज़िदनी इल्मा विद ट्रांसलेशन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट अस स्टार्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन मेसोस्फीयर एंड द एक्सोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या होता है? बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर की बात जो नियर आती है उसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर। जिस अबाउट 85 किलोमीटर अबव अवर प्लैनेट, टेम्परेचर इज लोएस्ट देयर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। देयर इज नो ओजोन, यहाँ पर कोई भी ओजोन मौजूद नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर, और ये 85 किलोमीटर हमारे प्लैनेट से अबव होती है। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फीयर। द एक्सोस्फीयर इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर। इट इज अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस, यानी कि हमारी जमीन से ये 1600 किलोमीटर जो है वो क्या होती है, ऊपर की लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट आती है व्हाट इज ओजोन लेयर एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू अस, यानी कि हमारे लिए क्यों जरूरी होती है ओजोन लेयर और क्या होती है। ओजोन इज अ थिन लेयर ऑफ गैस द एटमोसफियर विच इज नेचुरली ब्लॉक द सन हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। ठीक है, ओजोन एक बहुत थिन लेयर होती है एटमोसफियर की, जो क्या करती है, नेचुरली कुदरती तौर पर सन रेज को जो है वो क्या करती है, ब्लॉक करती है, और हमारी जो जमीन है उससे की प्रोटेक्शन करे होती है, तो डेट इज कॉल्ड अ ओजोन लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जमीन का एटमोसफियर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। वो क्यों इंक्रीज होना शुरू हो गया? क्योंकि ये ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई है, डिप्रेशन होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जमीन का जो एटमोसफियर है वो बहुत ज़्यादा रहने लगा है, मीन्स की गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। क्यों होने लग गई? क्योंकि हमारी जो एक ओजोन लेयर है वो क्या हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई है। सो लास्ट वन इज़ हाउ कैन ग्लोबल वार्मिंग बी रिड्यूस बाय कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ CFCs, यानी कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम CFCs का जो यूज़ है उस पर कंट्रोल कर लें, तो हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। CFCs मीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर द गैसेज विच कैन रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग बाय यूजिंग CFC-free। अब CFCs क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही है कि हमारी ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ज़्यादा क्यों होने लग गया? क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दी है। डिफॉरेस्टेशन मीन कि हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है, पौधों को जो है इस्तेमाल हमने कम करना शुरू कर दिया है, प्लांटेशन हमने कम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग गया है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो CFCs के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, ये वो गैसेस होती हैं विच कैन रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग बाय यूजिंग CFC-free, यानी कि इन गैसेस से जो फ्री चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर सकते हैं। अब ये CFC गैसेस कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं? ये आपके जो रेफ्रिजरेटर होता है उस पर मौजूद होती हैं, ओवन हो गया, हीटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन तमाम चीज़ों में ये तमाम गैसेस मौजूद होती हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल कंट्रोल कर लें, इनके इस्तेमाल पे अगर हम कंट्रोल कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन आंसर। एंड अल्लाह हाफिज़।